Subscribe to my channel Anamika Joy Singh and also press the bell icon so that you will never miss my new videos. Hi guys, welcome to my channel. आप देख रहे हो ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज. चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है तो मैं आज आप लोगों के साथ ब्राइडल मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और वो भी डार्क स्किन पे. क्योंकि गाइज व्हीटिश और फेयर स्किन पे मेकअप करना ईजी हो जाता है लेकिन डार्क स्किन पे मेकअप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. तो मैंने सोचा कि आपको अगर ब्राइडल मेकअप सीखना है तो आज मैं आप लोगों को इस लुक से ब्राइडल मेकअप सिखाऊंगी. तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी. मैंने यहाँ हिमालय की मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई किया है. फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेस प्राइमर. प्राइमर लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है गाइस. ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखता है. और जब आप ब्राइडल मेकअप करें तो आप हमेशा याद रखें कि प्राइमर को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि ब्राइड जो होती है उनको ज़्यादा देर तक के लिए मेकअप अपने फेस पर रखना होता है. और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ डर्मा का ऑरेंज कलर करेक्टर. और मैं ये कलर करेक्टर उनके अंडर आई एरिया और जहाँ भी उनके फेस में डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर दूँगी ब्रश की हेल्प से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं. मैं ये कलर करेक्टर इनके माउथ एरिया पे भी लगाऊंगी क्योंकि मेरे क्लाइंट के माउथ एरिया में भी बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक था. और अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. और अब मैं यहाँ मेकअप स्टूडियो फेसेट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. गाइस डार्क स्किन पे मेकअप करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला. आप जब भी अपने क्लाइंट के ऊपर मेकअप करें, डार्क स्किन पे करें या फिर फेयर स्किन पे करें या व्हीटिश स्किन पे करें, आप हमेशा ये याद रखें कि उनका मेकअप बहुत ज़्यादा वाइट नहीं लगना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा मेकअप उन पर थोप दिया है. तो आप हमेशा फाउंडेशन जब भी अप्लाई करें अपने क्लाइंट पे तो ये देख के करें कि उनके फेस को मैच हो रहा है या नहीं. और इसके बाद मैं इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से फेस पे ब्लेंड कर लूँगी. और अब मैं यहाँ मेबलिन ड्रीम स्टेन फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. ये इनको मैच करता हुआ कलर फाउंडेशन है. ये वाला फाउंडेशन एक एयरब्रश लुक आपके फेस को देता है. क्योंकि ये ब्राइडल लुक है इसलिए मैं थोड़ा सा हैवी लुक दूंगी इनको. और इसको मैं पूरे फेस पे डॉट डॉट करके इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी. और इसके बाद मैं ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर ये फाउंडेशन अच्छे से मर्ज्ड कर लूँगी. इनके डार्क सर्कल को कंसील करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एले प्रो का कंसीलर. और ये कंसीलर मैं इनके अंडर आई एरिया और माउथ के एरिया पर अप्लाई करूँगी. और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आपका मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए. जितने अच्छे से आपका मेकअप ब्लेंड होगा वो उतना अच्छा लगेगा. अगर आपका मेकअप ब्लेंड नहीं होगा तो वो केकी और उस फाउंडेशन में पैचेस आ सकते हैं. तो आप हमेशा याद रखें कि आप ब्लेंडिंग में टाइम लगाएं और अच्छा से ब्लेंड करें. इनके बेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर. आप इस मेकअप लुक को पूरा देखें क्योंकि अगर आप अभी से अपनी कोई राय बना लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा. इसीलिए इस वीडियो को आप एंड तक पूरा कंप्लीट होने तक देखें. और अब मैंने यहाँ एक ब्राउन पेंसिल लेके इनकी आईब्रो को सेट किया है. जहाँ जहाँ इनकी आईब्रो अच्छे से फिल नहीं थी, यहाँ पे हेयर नहीं थे, वहाँ पे मैं वहाँ डार्क कर दूँगी. और एक मस्कारा ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कुछ इस तरीके से. और कंसीलर को बेक करने के लिए मैं यहाँ ट्रांसल्यूशन पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ. और ये ट्रांसल्यूशन पाउडर मैं इनके अंडर आई एरिया पर अप्लाई कर दूँगी.
और कॉन्टोरिंग के लिए सेम मैं ब्राउन पेंसिल को यूज़ कर रही हूँ। ये पेंसिल आपने मेरे और वीडियोस में भी देखे होंगे। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप अभी से कोई भी अपनी एक धारणा ना बनाएं इस मेकअप को देख के, एंड तक इंतज़ार करें और उसके बाद आपको अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने इनके कॉन्टोरिंग पॉइंट को अच्छे से कॉन्टोर करके अब मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। और मैं यहाँ लूँगी हुडा आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं पिक कर रही हूँ डार्क पिंक कलर। और इसको मैं इस तरीके से आईलिड पे लगाना स्टार्ट करूँगी। पिंक कलर के बाद मैं आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी डार्क ब्राउन कलर। मैं इनकी आईज़ को स्मोकी लुक देने वाली हूँ सो डैट उनकी आईज़ थोड़ी बड़ी लगें। और मैं डार्क ग्रे कलर से आउटर कॉर्नर में वी शेप बनाऊंगी इस तरीके से। और अब मैं यहाँ कंसीलर लगाऊंगी मेन पॉइंट्स पे, सेंटर ऑफ द आईज़ पर इस तरीके से। कंसीलर को ब्लेंड करके मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का प्राइमर, जिससे कि मैं जो ग्लिटर अप्लाई करूँ वो अच्छे से चिपक जाए और निकले ना बाद में। और एक ब्रश की हेल्प से मैं लूज ग्लिटर को अच्छे से इस तरीके से आईज़ के सेंटर्स पे अप्लाई कर दूँगी। ग्लिटर लगाते वक्त आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप बहुत ही स्लोली स्लोली ग्लिटर लगाएं, अदरवाइज़ फेस पे गिर सकता है और आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। और सेम थिंग मैं दूसरी आईज़ पे भी इसी तरीके से ग्लिटर्स को अप्लाई कर लूँगी। और अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का जेल आईलाइनर। और वाटर लाइन पे मैं अप्लाई करूँगी काजल। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। मैंने यहाँ जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैं आपको इस वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और मैं इनके लिप्स थोड़े छोटे हैं तो मैं इनके लिप्स को थोड़ा सा फुलर दिखाने के लिए थोड़ा ब्रॉड दिखाऊंगी। और यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं लिप पेंसिल। और इसके बाद मैं मैट मी की लिक्विड रेड लिपस्टिक को यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैं फॉल्स आईलैशेस को अप्लाई करवा रही हूँ। फॉल्स आईलैशेस से आपकी आईज़ में एक अच्छा सा लुक आता है। मैं जल्द ही एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि आप इजीली अपने आईज़ पर आईलैशेस कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। ब्लशर और हाइलाइटर मैंने दोनों शिवाना के पैलेट से यूज़ किए हैं। और अब मैं इनके हाइलाइटिंग पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। मुझे ग्लॉसी मेकअप बहुत अच्छा लगता है तो मैंने इनका मेकअप ग्लॉसी ही लुक में दिया है। इसके बाद मैं इनकी हेयर स्टाइल और ज्वेलरी पहना के मैं इनका पूरा मेकअप कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स ये है इनका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा ये डार्क स्किन मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने मेरे ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।